ब्राह्मण कल्याण परिषद ने बरेली में हुई 5 लोगों की निर्मम हत्या के विरोध में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। परिषद के उपाध्यक्ष ने बताया कि 5 लोगों की निर्मम हत्या करना यह दर्शाता है कि बदमाश कितने बेखौफ थे। उन्होंने प्रदेश सरकार से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और पीड़ित परिवार को 20-20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग रखी है। कंगाखेड़ा सरदना रोड पर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का उद्घाटन मेरठ के डीएम समीर वर्मा ने फीता काटकर किया। इस मौके पर बैंक के एमडी समित घोष, एरिया मैनेजर राहुल खुशीजा और कंकरखेड़ा ब्रांच के प्रबंधक सिद्धार्थ भी मौजूद थे। साथ ही बैंक में खाता खोलने आए उपभोक्ताओं को इसकी जानकारी दी गई। एरिया मैनेजर राहुल खुशीजा ने बताया कि पहले उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस कंपनी महिलाओं को रोजगार के लिए लोन देती थी, अब उज्जीवन ने आरबीआई से मान्यता लेकर अपना बैंक खोल लिया है और कंकरखेड़ा में यूपी की दूसरी शाखा खुली है। उन्होंने बताया कि बैंक में बायोमेट्रिक एटीएम भी लगाया जाएगा। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान मोदीपुरम ने दौराला के मंडोरा गांव के नारायण स्कूल में वन महोत्सव के उपलक्ष्य में एक किसान गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें निदेशक डॉक्टर आजाद सिंह पवार ने पर्यावरण विषय पर व्याख्यान दिया। साथ ही स्कूल परिसर में गुलमोहर, अशोक, अमरूद, जामुन और नीम के पौधों का रोपण किया गया। इस दौरान स्कूल के बच्चों के साथ साथ ग्रामीण भी मौजूद थे और वृक्षारोपण करने का संकल्प लिया गया। जब शुरू में गन्ना बोते हैं पड़ जानी चाहिए, जून के बाद अगर टाइम से बोई गई गन्ने की फसल है तो जून। इसी के साथ मैं अपनी बारी विराम देना चाहूंगा और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा प्रयोग कर दें, बुआई के समय 7 किलो 1 बीघे अभी भी डाल दीजिए अगर किन्हीं खेतों में, और उनको केवल गन्ने की खेती ही भारतवर्ष में जहाँ अच्छी होती है 5 फुट की दूरी पर लाइन से लाइन। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि आप 1 फुट तक चले जाएं? और आगे भाई वन महोत्सव जो जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है, इसमें अग्रणी रूप से भाग ले रहा है। कल हमने संस्थान के अंदर वनीय पौधों का रोपण किया और उसमें संस्थान के सभी कर्मचारी, आसपास के जो हमारे दफ्तर थे सरकारी दूसरे, उसमें भी लोगों को हमने वनीकरण के लिए प्रोत्साहित किया। सिटी हलचल में ले रहे हैं एक और छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें, कहीं मत जाइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद।